नया घर बनाने की खुशी में हो रहा था गृह प्रवेश को लेकर पूजा का आयोजन। इसी दौरान एक युवक की मौत हो गई। पल भर में खुशी का माहौल मातम में बदल गया। मामला हरलाखी थाना क्षेत्र का है, जहां हाई टेंशन तार की चपेट में आने से एक 18 साल के युवक की मौत हो गई। घटना बुधवार दिन के करीब दोपहर 11 बजे की है, जहां गृह प्रवेश के क्रम में घर के ऊपर लाउड स्पीकर लगाने के दौरान यह हादसा हुआ। लाउड स्पीकर लगाने के दौरान युवक 11,000 वोल्ट के बिजली तार की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। मृत युवक की पहचान हरलाखी थाना क्षेत्र के पिपरौन गांव निवासी फेकन महतो के 18 वर्षीय पुत्र मंजीत कुमार के रूप में हुई है। वहीं घटना हरलाखी बाजार में हुई है, जहां राजेंद्र महतो के घर बनने की खुशी में सुंदर कांड का आयोजन शुरू किया जा रहा था। इसी क्रम में मृत युवक मंजीत कुमार राजेंद्र महतो के घर में हो रहे पूजा कार्यक्रम में लाउड स्पीकर लगाने का काम करने गया था, लेकिन इस दौरान युवक को करंट लग गया। करंट लगने के बाद युवक को घर के मालिक के ही दवा दुकान में सुई लगाकर उपचार करने की कोशिश की गई, लेकिन युवक होश में नहीं आ सका। तब लोगों ने उसे उमगांव के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करा दिया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। युवक की हुई मौत से खुशियां मातम में बदल गई। घटना की सूचना अस्पताल प्रशासन के द्वारा पुलिस को दी गई। वहीं मृतक के परिजनों को भी इसकी सूचना मिल गई। सूचना मिलते ही परिजन व ग्रामीण अस्पताल पहुंचे। अस्पताल में चीख पुकार मच गई। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी भेज दिया। वहीं इस बाबत थाना अध्यक्ष अनुज कुमार ने बताया कि घटना को लेकर आवश्यक प्रक्रिया की जा रही है। Thank you.